वेलेंटेस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ हापुड़ चुंगी स्थित MCC हॉस्पिटल में आज सुबह डिलीवरी के दौरान जच्चा व बच्चा दोनों की ही मौत हो गई। परिजनों ने यह आरोप लगाते हुए हंगामा किया कि चिकित्सकों की लापरवाही से दोनों की मौत हुई है। इतना ही नहीं, बच्चे के साथ जच्चा की भी सुबह ही मौत हो गई थी, लेकिन काफी समय तक इस बात को उनसे छिपाया गया। हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस से भी परिजनों की तीखी झड़प हुई। मेरठ मेडिकल थाना क्षेत्र के अंतर्गत हापुड़ चुंगी स्थित MCC हॉस्पिटल में शामली के जलालाबाद क्षेत्र की प्रेग्नेंट जीनत को रात 3:30 बजे भर्ती कराया गया था। आज सुबह बच्चा होने के दौरान दोनों की मौत हो गई। मौके पर मौजूद परिजन फाजिया ने यह जानकारी दी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फाजिया है। घटना यही, बच्चा पैदा हुआ था ना सुबह में, ऑपरेशन किया था डॉक्टरों ने, बच्चा भी उसी दौरान मर गया और भी ये माँ भी उसी दौरान मर गई थी। तो हम जिला शामली से आए हैं, जलालाबाद से। किसका बच्चा था? मेरे भाई का बच्चा है, वो तो सुबह ही मर गया था। ऑपरेशन, जब ऑपरेशन किया, बच्चा पैदा किया, तो बच्चा जब ही मर गया, माँ भी जब ही मर गई, तो बच्चा, तो इन्होंने बता दिया कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। माँ को नहीं बताया इन्होंने, झूठ बोल के रखा हुआ था अंदर, ICU में रखा हुआ था उसको। बाहर हमने 3:30 बजे एडमिट कराया था। इतनी क्रिटिकल कंडीशन नहीं थी उसकी जिस टाइम लेकर आए। इन्होंने कंडीशन क्रिटिकल की उनकी, और सुबह में भी इन्होंने ये बताया, बार बार यही बोल रहे कि ब्लड लगेगा, ब्लड चढ़ेगा उसको, ब्लड चढ़ेगा, जितना जल्दी जल्दी हो सके ब्लड चढ़ाओ उसको। फिर उसको ब्लड भी लगा रहे, फिर भी वो तो सुबह से मरी हुई थी ना। झूठ बोल रहे थे ये हमसे, झूठ बोल रहे थे ये झूठ बोल रहे थे हमारे साथ में, गेम खेल रहे थे हमारे साथ में, गेम खेल रहे थे। हमारे बंदे आए जब खून चढ़ाने के लिए, तो बोल रहे खून की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे मरीज की तो क्रिटिकल है कंडीशन, ले जाओ इसको। दोनों की डेथ हो चुकी है, वो तो सुबह ही मर चुकी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।